यहाँ पे कुछ ही दिनों के बाद में जो कि लाखों की संख्या में भीड़ होगी। तो आई होप कि आपको पता ही होगा कि कुबेरेश्वर धाम में जो कि रुद्राक्ष वितरण महोत्सव होने जा रहा है। तो आइए जानिए अपन कि रुद्राक्ष वितरण महोत्सव समारोह कब स्टार्ट होगा। तो वीडियो में आप लास्ट टाइम तक बन रहे, तो अपन चलते हैं। तो हेलो जी, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कपिल एडिज। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बड़े होंगे, मस्त भी होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ जो कि कुबेरेश्वर धाम में कुछ ही दिनों के बाद में लाखों की संख्या में भीड़ होने जा रही है यहाँ पे। तो आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पे लाखों की संख्या में कुछ दिनों के बाद में भीड़ क्यों होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ जो कि 16 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में रुद्राक्ष वितरण महोत्सव समारोह होने जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी भी अन्य शहर या फिर किसी भी विलेज गांव से आने चाहते हो तो आप बेझक आ सकते हो। कोई भी यहाँ से रुद्राक्ष लिए बिगर नहीं जाएगा। हर एक बच्चे को रुद्राक्ष यहाँ पे दिए जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, खुद पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने बोला है कि हर एक बच्चे को, हर एक इंसान को जो कि रुद्राक्ष मिलेगा। तो आप कोई भी आए अन्य शहर से या कोई से भी गांव से, तो आप ये सोच के आए कि मुझे रुद्राक्ष जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि रुद्राक्ष वितरण के लिए 40 काउंटर लगाए जाएंगे, जो कि खुद पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने बोला है कि कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण महोत्सव में जो कि 40 काउंटर लगाएंगे। तो हर एक इंसान को रुद्राक्ष मिलेगा और रुद्राक्ष वितरण का कोई समय नहीं रहेगा। रुद्राक्ष वितरण 24 घंटे तक वितरण होता रहेगा। रुद्राक्ष वितरण उसका कोई टाइम, कोई समय नहीं रहेगा। तो आप किसी भी टाइम 16 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में कौन से भी दिन किसी भी टाइम बेझक आ सकते हो। लाइन में खड़े होकर आप रुद्राक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कुबेरेश्वर धाम आना है, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो बेझक आप आ सकते हो ट्रेन से। रेलवे स्टेशन पे जो कि राजा बीआर ट्रेवल्स की ओर से बस खड़ी हुई रहेगी वहाँ पे। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो बस में बैठ के, जो कि बस आपको कुबेरेश्वर धाम छोड़ेगी, तो बेझक आप कुबेरेश्वर धाम आ जाओगे। एंड आपको आने के लिए कुबेरेश्वर धाम में कोई समस्या नहीं आएगी। एंड उसके बाद में आप कुबेरेश्वर धाम आने के बाद में आपको खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए हर एक व्यवस्था आपको कुबेरेश्वर धाम में मिलेगी एंड प्राप्त होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको रहने के लिए कुबेरेश्वर धाम में जगह नहीं मिली तो आप सीओर की कोई से भी होटल में चले जाना। आपको बेझक सीओर की कोई सी भी होटल में चले जाना, आपको रहने के लिए वहाँ पे रूम मिल जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने बोला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कोई से भी शहर, गांव से या फिर कहीं से भी आए हो बस स्टैंड से, तो बस स्टैंड पे जो कि ऑटो खड़े मिलेंगे, वहाँ पे ऑटो वालों से बोल देना कि मुझे कुबेरेश्वर धाम महादेव मंदिर जाना है, तो आपको वो ऑटो वाले कुबेरेश्वर धाम महादेव मंदिर लेके आ जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ जो कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने ही बोला है कि आप कुबेरेश्वर धाम महादेव रुद्राक्ष वितरण महोत्सव में आओगे तो आप बेझक आना। कोई से भी कीमती जेवर, गहना पहन के मत आना। यहाँ पे आप कथा स्मरण करने आओगे तो कथा के स्मरण की तरह आना। आप यहाँ पे कोई से भी कीमती सामान लेके मत आना एंड यहाँ पे कोई से भी कीमती जेवर गहने पहन के मत आना, क्योंकि यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ रहेगी। खुद पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने ही बोला है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने घर से एक एक कम्बल जरूर लेके आना, क्योंकि उस टाइम ठंड पड़ सकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी भी खुद
हर एक व्यक्ति को कंबल बांट सकते, बट हजारों लाखों की संख्या में वहां पे पब्लिक आएगी तो हर एक को कंबल बांटना तो नामुमकिन है। तो आप खुद अपनी व्यवस्था से एक एक कंबल लेके जरूर आए कुबेरेश्वर धाम में, ताकि आप ठंड से बच सके। तो आई होप कि आपको मेरी ये इंफॉर्मेशन वीडियो समझ में आई होगी। तो दोस्तों, इसमें की वीडियो आपको और भी देखनी है तो मेरे चैनल पे डली हुई कुबेरेश्वर धाम से जुड़ी हुई वीडियो, तो आप जाके वीडियो को देखे चेक करें और देखे। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो रेड बटन के आइकन को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये इंफॉर्मेशन वीडियो समझ में आएगी। तो